नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धागर। आइए दर्शकों, देख लेते हैं आज के नीमच मंडी के सभी जिंसों के भाव। दर्शकों, हमारे काफ़ी दर्शकों को शिकायत थी कि आप एक ही वीडियो शुरू का जो आता है वो एक ही डालते हैं। देखिए दर्शकों, हमेशा रोजाना टाइम नहीं मिल पाता, उसकी वजह से हर बार नया नहीं बना पाते। तो आइए देख लेते हैं किस जिंस में क्या तेजी मंदी रही है। पूरी सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट ऑन द फील्ड जाकर के, नीलाम में जाकर के ली हुई रिपोर्ट है, कोई संशय वाली बात नहीं है। जो रिपोर्ट आपको मिलेगी सही सटीक और विश्वसनीय मिलेगी। और दर्शकों, उन लोगों से जरूर बच करके रहिएगा जो कि आपको बीच मझधार में जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो भाग जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद स्थिति थोड़ी सामान्य होने पर लौट आते हैं। अगर इतने ही किसानों के सेवक हैं और किसानों को अगर भला चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनको किसानों को सेवा देनी चाहिए। तो मेरा यही निवेदन रहेगा, बहुत सारे फ्रॉड लोग यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, इन लोगों से बचने की जरूरत है। अगर इन लोगों से नहीं बचेंगे तो आपका नुकसान करवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, गेहूं की अगर हम बात करें तो आज बढ़िया लोकवान की जो पोजीशन रही 2000 से 2050 रुपए की देखने को मिली। मिल बेस्ट गेहूं 1875 रुपए से लगा करके 1925 रुपए तक बिके। चलनसार और हल्के टाइप के जो गेहूं थे 1800 से 1850 रुपए तक बिके हैं। आवकों की बात करें तो लगभग 7500 बोरी की आवक देखने को मिली है और बाजार समान रहा। वहीं लहसुन की बात कर ले तो आवके बढ़ने से बाजार कुछ नरम देखने को मिला। ऊपर में देशी मोटे माल फुल साइज़ के 8200 से 8800 रुपए तक बिके। देशी एवरेज की पोजीशन 7200 से 7800 रुपए की रही। लड्डू देशी माल 6200 रुपए से 7000 रुपए तक बिके हैं। एवरेज लाडवा क्वालिटी माल 5200 से 6000 रुपए। मीडियम माल की पोजीशन 3200 से 5000 रुपए की रही है। छर्री माल जो है 1500 रुपए से ला करके 2800 रुपए तक बिके हैं। आवकों की बात करें तो 15000 बोरी से अधिक की आवक रही। आवक और बाजार 200 से 300 रुपए लहसुन में आज नरम देखने को मिला है। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था, बारिश के मौसम में बारिश होने पर बाजारों में आवके कम रहेगी, बाजार ज़्यादा घटने की संभावना नहीं है। अभी दो दिनों से लगातार मौसम खुला हुआ है और आसपास की अन्य सभी मंडियां, नीमच ही नहीं वरन मंदसौर, पिपलिया, जावरा, रतलाम आदि में भी काफ़ी अच्छी आवक देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बाजार कुछ नरम हुआ है, लेकिन आवके घटने पर वापस से बाजार सुधार दिखाएगा। वहीं बात कर लें ऊँटी मालों के बाजार की तो बढ़िया मोटा 12000 से 12500 रुपये, हल्का मोटा 11000 से 12000 रुपये तक बिका है। मीडियम ऊँटी की बात करें तो 10000 रुपये से लगा करके 11000 रुपये तक बिक रहे हैं। एवरेज ऊँटी माल मीडियम साइज के 8000 से 9000। बारीक ऊँटी मालों की बात करें तो 6000 से 8000 की पोजीशन है, बाजार समान देखने को मिला। ज़्यादा अच्छे मालों के आवके अभी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बात करें ऊँटी मालों में हमारी राय की तो ऊँटी के अच्छे वाले जो माल हैं उनमें बाजार नरम नहीं है और आगे भी नरम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऊँटी मालों की जो डिमांड है वो बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी सेंटरों पर डिमांड है, जिसकी वजह से ऊँटी मालों में बाजार घटने की संभावना नहीं है। प्याज की बात कर ले तो ऊपर में एक ढेर 1140 रुपये बढ़िया क्वालिटी का माल था जो बिका है। बाकी बढ़िया पके हुए मालों की जो पोजीशन है 1050 से 1100 रुपये की है। एवरेज माल 900 रुपये से ला करके 1000 रुपये तक बिक रहे हैं। छोटा गोल्टा गोल्टी माल मिक्स वाला 200 रुपये से 800 रुपये तक की पोजीशन देखने को मिल रही है। आवके 400 कट्टों की रही है और बाजार प्याज में समान देखने को मिला है। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था, लगातार हमारी ओर से आपको प्याज में राय दी जा रही है। गर्मी अधिक पड़ने की वजह से प्याज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं और मध्य प्रदेश साइड में तो जो हमारे नीमच और आसपास की पट्टी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में अच्छे भंडारण वाले जो प्याज हैं कुछ तेज़ होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। सोयाबीन में दर्शकों, मंदी का कहर जारी है, लगातार मंदी देखने को मिल रही है। बढ़िया माल 3450 से 3500, एवरेज माल 3300 रुपये से लगा करके 3400 रुपये और चलनसार हल्के मालों की बात करें तो 3200 से 3300 रुपये की पोजीशन। आवक लगभग 7500 बोरी की रही। बाजार 50 से 75 रुपये नरम देखने को मिला है। जैसा कि दर्शकों, हमने आपको काफ़ी समय पहले से ही गोल्डन राय देना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सोयाबीन की जो तेजी मंदी है मुख्य रूप से निर्यात और मौसम पर निर्भर करेगी। जिस जो ही हुआ है कि मौसम अच्छी समय पर आ गया है और बोनी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से बाजार लगातार आपको नरम होता हुआ देखने को मिल रहा है। कलौंजी की बात कर लें तो सुपर माल जो है बढ़िया क्वालिटी के ऊपर में 10900 से 11000, एवरेज मालों की जो पोजीशन है 10600 से 10800 रुपये की देखने को मिली है। चलनसार हल्के टाइप के जो माल है 10400 से 10600 रुपये तक देखने को मिल रहे हैं। आवक लगभग 350 बोरी की रही है। बाजार समान देखने को मिला, लेकिन बाजार की चाल काफ़ी नरम रही है। वहीं बात करें हमारी राय की दर्शकों, तो निर्यात मांग बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से कलौंजी में कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिल रहा है। निर्यात मांग निकलने पर ही बाजार सुधार होने की संभावना है। वहीं बात कर ले इसबगोल के बाजार की तो ऊपर में 9300 रुपये तक बढ़िया पैकेट माल देखने को मिला है। पैकेट मालों की पोजीशन जो रही 9000 से 9200 रुपये। बेस्ट क्वालिटी के माल 8900 से 9000 रुपये तक बिके। एवरेज मालों की अगर हम बात करें तो 8500 से 8800 रुपये तक बिक रहे हैं। चलनसार माल जो है 8000 से 8400 रुपये की पोजीशन है। आवके 125 बोरी की रही है और बाजार समान देखने को मिला है।
वहीं मेथी के बाजारों की बात कर ले तो चाल नरम रही। बढ़िया पीला माल 4400 से 4500 रुपये तक बिका। एवरेज मालों की पोजीशन 4300 रुपये से लाकर के 4400 रुपये की रही है। हल्के माल जो है 4200 से 4300 रुपये की पोजीशन पर बिक रहे हैं। बढ़िया मेथा की अगर हम बात करें तो 6000 से 6200 रुपये की पोजीशन है। एवरेज मेथा 5800 से 6000 रुपये तक बिक रहा है। आवक 800-900 भरी, बाजार 25 रुपये नरम देखने को मिला है। मेथी में हमारी राय की बात करें तो अभी हाल फिलहाल आने वाले 10-15 दिनों में तो कोई खास तेजी मंदी होने की संभावनाएं मेथी में नज़र नहीं आ रही है। वहीं धनिया के बाजार की बात कर ले तो आज पिछले दिनों की अपेक्षा आवके बहुत जोरदार रही। बढ़िया ग्रीन माल 7000-7200, सुपर माल 6500-6800, बेस्ट बादामी 6200 रुपये 6400 रुपये। बादामी मालों की बात करें तो 5600 से 6000 रुपये तक बिक रहे हैं। हल्के मालों की बात करें तो 4500 से 5600 रुपये की पोजीशन है। आवके लगभग 1500 बोरी की रही और बाजार 100 रुपये आज धनिया में नरम देखने को मिला है। दर्शकों बात करें धनिया में हमारी राय की तो आने वाले समय में जिस प्रकार की जानकारियां मिल रही है और जिस प्रकार स्टॉक बचा हुआ है, काफ़ी कम मात्रा में स्टॉक बचा हुआ है, आने वाले समय में धनिया के अंदर अच्छे सुधार की संभावनाएं देखने को मिल रही है। वहीं बात कर ले रायड़ा के बाजार के दर्शकों तो बढ़िया माल जो है सुपर किराना क्वालिटी के 3500-3600, बाकी एवरेज माल 3450 से 3500, चलनसार हल्के माल 3350 से 3400, बाकी बिल्कुल हल्के माल जो आ रहे हैं दागी 3000 से 3200, आवक 300 भरी और बाजार रायड़ा में समान रहा है। वहीं एलसी के बाजार की बात कर ले दर्शकों तो ऊपर में 4670 रुपये एक ढेर बिका है। बाकी बढ़िया मालों की पोजीशन 4500-4600, एवरेज माल 4500 रुपये 4500 रुपये, चलनसार माल 4400 से 4500 की पोजीशन, आवके 200 वरी की रही है और बाजार अलसी में समान देखने को मिला है। वहीं तारामीरा के बाजार की बात कर ले दर्शकों तो बढ़िया माल 3500 से 3650 रुपये तक बिक रहा है। एवरेज मालों की बात करें तो 3400 से 3500, चलनसार माल 3300 से 3400, आवक 40 बोरी, बाजार 50 रुपये नरम देखने को आज मिला है। वहीं चना के बाजारों की बात कर ले दर्शकों तो लगातार बाजार अच्छा बना हुआ है। लेवाली बढ़िया है, विशाल चना 39 से 39.5, काटा चना 3850 से 3900, देशी माल 3650 से 3800 रुपये तक अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। डंकी शंकी मालों की बात करें 3300 से 3600 रुपये की पोजीशन है। आवक लगभग 300 से 400 बोरी की देखने को मिली है। बाजार समान रहा, लेवाली आज भी जोरदार देखने को मिली। धीरे धीरे ग्राहकी निकल रही है, स्टॉकेज बंधु भी वापस से बाजार में आने लगे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में सुधार देखने को मिला है। वायदा भी लगातार मजबूत बना हुआ है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार सुधर सकता है। वहीं डॉलर चना के बाजार की बात कर ले दर्शकों तो बढ़िया माल जो है 4800 से 4850 को एक इक्का दुक्का ढेर 4900 तक भी बिक रहा है। एवरेज माल 4600 से 4800, डंकी माल 3800 से 3600 रुपये, आवके लगभग 250 बोरी की आज डॉलर चना में देखने को मिली है। बाजार की बात करें तो बाजार समान रहा, लेवाली बढ़िया देखने को मिली। वहीं मसूर के बाजारों की बात कर ले दर्शकों तो बढ़िया माल इतने खास क्वालिटी के आ नहीं रहे हैं, बाकी जो आ रहे हैं 3900 से 3950, एवरेज 3800 से 3850, चलनसार मालों की बात करें तो 3600 रुपये से लगा करके 3700 रुपये तक की पोजीशन है। आवक लगभग 30 से 40 बोरी और बाजार मसूर में समान रहा है। दर्शकों मसूर में हमारी राय रहेगी, मसूर में घबराने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले दिनों में बाजार में सुधार होने की पूर्ण संभावना है। अभी ग्राहकी का अभाव है, ग्राहकी निकलने पर बाजार सुधर सकता है। आगे चलते हैं दर्शकों बात कर ले तुअर के बाजार की तो बढ़िया माल 4400 से 4500 रुपये, एवरेज माल 4200 से 4400 रुपये, चलनसार माल 4000 रुपये से लगा करके 4200 रुपये तक की पोजीशन देखने को मिल रही है। आवके कम रही, मात्र 10 बोरी की आवक देखने को मिली है और तुअर में बाजार आज समान रहा है। मूंग में आज भाव प्राप्त नहीं हो पाए हैं। वहीं बात कर ले अजवाइन के बाजार की तो ऊपर में बढ़िया बोल्ड दाना सुपर माल 13000 रुपये तक की पोजीशन है। बाकी बढ़िया माल जो बिक रहे हैं 11000 से 12000, एवरेज 10000 से 11000, लाल माल 9500 से 10000, चलनसार 8000 से 9000, आवक 200-250 भरी और बाजार समान रहा है। दिल्ली के बाजारों की बात कर ले तो एक सुपर क्वालिटी का ढेर था जो कि 10800 रुपये बिका है। बाकी बढ़िया 10500 से 10600, एवरेज माल 10200 से 10300, चलनसार माल 9500 रुपये से लगा करके 10000 रुपये तक की पोजीशन है। आवके लगभग 400 बोरी की आज देखने को मिली है और दिल्ली में बाजार समान देखने को मिला है। वहीं आगे चलते हैं बात कर लेते हैं उड़द के बाजार की तो ज़्यादा अच्छे मालों के आवके नहीं है। बाजार की बात कर ले तो बढ़िया माल 4000 से 4200, एवरेज 3800 से 4000, चलनसार मालों की अगर हम बात करें तो 3600 रुपये से 3800 रुपये और डंकी मालों की अगर हम बात करें तो 2500 से 3200 क्वालिटी अनुसार, आवक 100 से 150 भरी, बाजार समान रहा। वहीं मक्का के बाजारों की बात कर ले ऊपर में 2100 रुपये तक की पोजीशन है। पीली मक्का जो है बढ़िया क्वालिटी 2000 से 2050, एवरेज मक्का की बात करें 1950 से 2000 रुपये, चलनसार मालों की अगर हम बात करें 1750 से 1850 रुपये की पोजीशन, आवक 50 से 60 भरी और बाजार समान रहा। वहीं जो के बाजार भी समान ही देखने को मिले हैं। बढ़िया माल 1800 से 1810 रुपये तक बिक रहे हैं। एवरेज माल 1790 रुपये से ला करके 1800 रुपये की पोजीशन, चलनसार माल 1770 से 1780 रुपये, आवक 100 से 125 बोरी की रही है और बाजार जो में आज समान देखने को मिला, कोई खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। वहीं मूंगफली के बाजार भी आज समान देखने को मिले हैं। बढ़िया ऊपर में लाल दाना वाली क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की मूंगफली जो है 4800 से 5000 को इक्का दुक्का ढेर 5100-5200 तक बिक जाता है।
बाकी एवरेज 4400-4600, चलनसार 4000 रुपये से 4200 रुपये, आवक 400 बोरी की रही और बाजार मूंगफली में आज समान देखने को मिला है। बात करें दर्शकों पोस्ता के बाजार की, तो टिनोपाल माल जो है 62000 से 64000 रुपये तक बिके हैं। बढ़िया मालों की पोजीशन 58000 से 62000 रुपये की रही। एवरेज जो माल है 52000 से 56000 रुपये तक बिक रहे हैं। आवकों की बात करें 100 से 125 बोरी की आवक रही है और बाजार पोस्ता में आज समान देखने को मिला है। दर्शकों पोस्ता में जब से तुर्की से आयात करने के लिए सभी जो आयातक हैं भारतीय उनसे आवेदन मंगवाए गए हैं, तब से ही दहशत का माहौल है, बाजार नरम बना हुआ है। अभी बाज़ार पिछले दिनों यानी कि कल सुधरा है, लेकिन ज़्यादा सुधरने की संभावना भी नहीं है। तेज़ी में माल को विक्रय करते रहिएगा। दर्शकों वीडियो देखने के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दर्शकों सभी मेरे किसान भाइयों से निवेदन है, जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और एक भी किसान बंधु लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।